वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब आज तो बहुत ही खुश मुहर्रम नजर आ रहे हो, कहाँ का इरादा है या किसी प्रोग्राम को जिन्हें बख्शने के लिए तशरीफ ले जा रहे हो? अरे भाई बड़ी ताल्लुक की बात है, आप हिंदुस्तान में रहते हुए भी इसके तारीख बता रही की इंकलाब से बेखबर हो, जबकि ये बात वतन का बच्चा बच्चा जानता है। हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन यादगारी ऐसी कौमी अहमियत रखते हैं, एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को सदियों की कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान को आजादी की बहारें नसीब हुई, 26 जनवरी में हिंदुस्तान का कानून अमल में आया। मौलवी साहब दरअसल मेरा मौजूद दूसरा है जिसकी वजह से तारीख से वाकिफियत नहीं है, अलबत्ता दिलचस्पी जरूर रखता हूँ, इसीलिए आप खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आपसे मालूमात करूं कि कितनी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान में हुई निजात मिली थी। आज हिंदुस्तान की सालगिरह यानी 15 अगस्त, आज आजाद हिंदुस्तान ने अपने उम्र की 74 मरहलें कर ली हैं। आज उस दिन की यादगार जो 150 साल कुर्बानियों के बाद 1947 ईस्वी को इस वतन अजीज हिंदुस्तान को अंग्रेजी की गुलामी से निजात मिली थी, और इस मुहिम पर उन्हें आजादी का सूरज तुलू हुआ था, जो आज भी अपनी इस्लाम और मुजाहिदीन रवायत यादगार है। मौलवी साहब यही सवाल एक मुद्दत तक मुझे भी सता रहा था, चूंकि तारीख से थोड़ी दिलचस्पी रखता हूँ और फिर हमारा मुल्क जो 150 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हिंदुस्तानी मुहिम के वतन के खून से रंगारंग होने के बाद इस मुल्क को आजादी हासिल हुई, तो क्या मौलवी साहब इस जंगे आजादी में मुसलमानों ने भी कोई ऐसा किरदार अदा किया है जिसको तारीख हैसियत हासिल हो? हकीकत तो यह है, अगर इस मुल्क की हालत सुनाने लगेंगे, अगर इस मुल्क की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मोहतरम आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान की मुसलमान जंग आजादी की सब अमल मुजाहिदीन है, मुसलमानों ने बुनियादी जंग से लेकर आजादी की सुबह तक अपना इख्तियारी किरदार जारी रखा था। चमन के जर्रे जर्रे को रो पिलाया है हमने, चमन के जर्रे जर्रे को रो पिलाया है हमने, गुरु की क्या बात था कोई पैसा नहीं छोड़ा, आप अंग्रेजों का धनाला हिंदुस्तान से निकाल कर ही दबिया, हमने इस मुल्क का चप्पा चप्पा अपना खून देकर आजादी हासिल की है, यह मुल्क हमारी खून से सींचा हुआ है। मौलवी साहब तो फिर हुकूमत ही मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश करके उनके हुकूमत को क्यों पामाल कर रही है, इसका बुनियादी मुद्दा क्या है? मुल्क रवाना को तो मन में हमारे उतना ही कुकती देने वाले दानिशवरों ने इस बात का खास तौर से इत्माम किया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबके साथ मुसावी और मुसलमानों को और हर मजहब को आजादी हो, लेकिन अफसोस आपसी खिलाफत की वजह से हिंदुस्तान पर उन लोगों का कब्जा हो गया है जिनका मुल्क की आजादी में कोई किरदार नहीं रहा, मुल्क की कुर्सी की किताब पर बैठे लेकिन कभी तासुब परस्त अफराद ने RSS की तकमील में मदद करके पूरे हिंदुस्तान को बिगाड़ और इंतजार की दलील को खड़ा कर दिया, जिससे पूरे मुल्क की साल महीने को बड़ा पैदा हो गया है। याद रखो अगर हमने मुल्क मिलत के लिए और मुल्क की आजादी के लिए फांसी का बंदा चुना था और आज हम मुल्क की बुनियादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, आतंकी भी जो ऐलान करते हैं कि आतंकी को ऐलान करते हैं कि मुल्क की से कोई किधर आएंगे कानून में तब्दील नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सर